आज हम डिस्कस करेंगे ब्रॉड एक डिस्कस करेंगे वर्टिकल स्टडीज का एक पार्ट डिस्कस करेंगे आज सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है। सुपीरियर ऑब्लिक का सप्लाइड बाय फोर्थ पैनल नर्व, ठीक है। लाइक ट्रॉक्लियर नर्व दैट केम फ्रॉम लाइक पॉन्स पॉन्स एरिया लाइक मिड ब्रेन एरिया फ्रॉम दिस दे आर ओनली सप्लाइंग द सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स एंड द फंक्शन ऑफ सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स इज लाइक एंडोर्सन, ओके। एंड एंडोर्सन डिपेंड एंडोर्सन और उस कहाँ पे रहता है वो और क्या रहेगा उसका इंटरसन और अबडक्शन, करेक्ट। सो द मेजर द प्राइमरी टॉर्चर सेकेंडरी टॉर्चर फंक्शन इज लाइक इंटरसन अबडक्शन। तो उससे पहले जानने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि देर आर नाइन कार्डिनल पोजिशन विच यू लाइक विल डू एन एंटी द ब्रॉड एक्स टेस्ट बाय द हेल्प विद द हेल्प ऑफ ब्रॉड एक्स टेस्ट विल लाइक फाइंड आउट दैट देर इज नाइन कार्डिनल पोजिशन। हियर यू कैन सी द प्राइमरी प्राइमरी एक्स एग्जामिनेशन। सो आज हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट द सुपीरियर ऑब्लिक पाल्सी, तो सुपीरियर में जो फोर्थ रैंक का पाल्सी होता है ज्यादातर हम लोग बहुत ही ज्यादा इंसिडेंट से बहुत ज्यादा देखते हैं उपरी में सुपीरियर ऑब्लिक पाल्सी, जिसमें बहुत ज्यादा हमारा हाइपर हाइपो ओनली क्लियर जैसे होता है एक मिक्स टाइप होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टबीज यूज करते हैं जो मिक्स टाइप होता है। जैसे थर्ड नर्व होगा, थर्ड नर्व भी सप्लाइड बाय सुपीरियर रेक्टस इनफीरियर रेक्टस, ओके। सो उसमें जो होता है क्या होता है आपका मिक्स टाइप ऑफ रहेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल विद वर्टिकल रहता है। लेकिन सुपीरियर ऑब्लिक मसल इसलिए बोला जाता है सुपीरियर ऑब्लिक होता है वो होता है क्या हमारा ओनली उसमें हाइपर हाइपो दिखाएगा, ओनली एक ही पार्ट वर्टिकल स्टबीज क्या होता है इंड्यूस्ड मतलब वर्टिकल स्टबीज में अपीयर होता है, लाइक कुछ भी उसके साथ कोई हॉरिजॉन्टल स्टबीज कोई एसोसिएटेड नहीं रहता है, ओनली द प्योर वर्टिकल स्टबीज में अपीयर होता है। तो आज उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो जो सोचा मैं इससे पहले आप लोग को दिखा दूँ, सो आज हम डिस्कस करेंगे लाइक कहाँ से आता है उसका घर कहाँ पे फोर्थ नर्व का है। जैसे मैंने बोला आपको फोर्थ नर्व का स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक पॉन्स एरिया मिड ब्रेन एंड इसलिए सारे नर्व का चार पार्ट होता है, जैसे न्यूक्लियर वेसिकुलर इंट्रा कैवर्नस, ठीक है, एंड द ऑर्बिटल। सो न्यूक्लियर वेसिकुलर न्यूक्लियर में तो न्यूक्लियस पार्ट जहाँ से वो स्टार्टिंग करता है उसका जर्नी स्टार्ट करता है। वेसिकुलर देयर लाइक कहाँ से वहीं से डिवाइडेड होता है लाइक फर्स्ट ब्रांच सेकेंड ब्रांच थर्ड ब्रांच फोर्थ ब्रांच ऐसे करके डिवाइडेड होता है। देन इंट्रा कैवर्नस हमारा जो कैवर्नस है उसके थ्रू एंट्री करेगा। देन उसके बाद ऑर्बिटल हमारे आई के अंदर एंट्री करते हैं। तो ये चार पार्ट होता है, ठीक है। तो हम ये जस्ट अन ब्रीफली इंट्रोडक्शन। फिर अगर हमारा अगर वही नर्व पाल्सी होता है सो वॉट आर द थिंग लाइक हमें मैनिफेस्ट होगा इन पेशेंट्स की तरफ से मैनिफेस्ट होगा एंड हम देख पाएंगे क्या क्या होगा। दिस फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर एंड फैसिकुलर एंड पेरिफेरल फोर्थ नर्व पाल्सीज आर क्लिनिकली आइडेंटिकल एक्सेप्ट द न्यूक्लियर लिजन प्रोड्यूस द कॉन्ट्रालेटरल सुपीरियर ऑब्लिक न्यूक्लियस। ऐसे नहीं कुछ भी अगर पाल्सी होता है लाइक हमारा आइदर इट कुड बी द न्यूक्लियस फेसिकुलस इंट्रा कैवर्नस एनी काइंड ऑफ एनी थिंग हैपेंस टू दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियर लाइक पर्टिकुलर नर्व इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ लिजन सो यू विल सी आवर लाइक सुपीरियर ऑब्लिक इज गेटिंग more dysfunction and will manifest vertical strabismus like in hyperhypotrophia. तो वही बता रहे हैं कि अगर फीचर्स क्या क्या हो सकता है तो पेशेंट को क्या होगा हमें एक तो पेशेंट को डिप्लोपिया होगा, पेशेंट को अपियर हाइपरट्रोपिया अपियर होगा, रेस्ट्रिक्टिव ऑक्युलर मूवमेंट एंड द अबनॉर्मल हेड पोस्चर। सो डिप्लोपिया क्यों होगा ना, जैसे मैंने बोला डिप्लोपिया क्या होता है ना हमारा जैसे अक्यूट एआरसी प्रेजेंट होता है। वर्टिकल स्टबीज में क्या होता है जब आंख हमारा ऊपर की तरफ पड़ जाएगा हमारा फोबिया नीचे की तरफ चला जाएगा, मतलब हमारा टू विजुअल डिरेक्शन हो जाता है, मतलब एक आई में फोबिया में फोकस हो रहा है एक आई में पैराफोबिया, तो फिर अक्यूट फेज में होता है। सो फॉर दैट कंडीशन द पेशेंट विल कंप्लेन डिप्लोपिया एंड द वर्टिकल डिप्लोपिया। पेशेंट एक्जैक्टली कंप्लेन अबाउट द वर्टिकल डिप्लोपिया लाइक एक स्क्रीन नीचे दिख रहा है एक ऊपर दिख रहा है वर्टिकल डिप्लोपिया एंड योर साइन लाइक व्हाट यू
like what you will find during your examination, the first thing you need to hypertrophy. Hypertrophy means eye ball को आपको देख लगेगा जैसे आप cover test करोगे, eye ball ना ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है? जो आई अंदर होगा उस आई ऊपर की तरफ रहेगा। सुपेरियर क्यों ऊपर की तरफ रहेगा? हाइपरट्रोपी क्यों देखिएगा? क्योंकि सुपेरियर ऑब्लिक कहाँ पे रहता है? कहाँ पे रहता है सुपेरियर ऑब्लिक? सुपेरियर ऑब्लिक कहाँ पे रहता है मैडम? सर नीचे की तरफ रहता है सर, नोज की साइड। हेलो, नीचे की। मेरा वॉइस आ रहा है? यस सर आ रहा है। सुपीरियर ऑब्लिक का लोकेशन कहाँ पे है? नीचे रहता है, ऊपर रहता है, कहाँ पे रहता है? सर नीचे रहता है। उसका फंक्शन क्या है? सुपीरियर ऑब्लिक का फंक्शन क्या है? प्राइमरी मिडिल सर्जरी। दूसरा कहाँ आ रहे हैं? दूसरे। तो फॉर दैट मैं इसीलिए आपको लोग बोला था, ये सारे मसल्स का पाल्सी पढ़ने से पहले ना आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा मसल्स का पाल्सी, कौन सी मसल्स का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी टेंशन हो, क्या क्या मसल्स का जो है ना एक्शन क्या क्या है, उसी को पे डिपेंड करेगा आपका एग्जामिनेशन और आप डायग्नोसिस में हेल्प करो, ये करोगे। सुपीरियर ऑब्लिक का क्या रहता है? तो सुपीरियर का प्राइमरी ऑब्लिक मसल्स का प्रायमरी होता है एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन आइदर कुछ भी इंटॉर्शन। सुपीरियर ऑब्लिक का हमेशा रहेगा इंटॉर्शन, ठीक है? देन सेकेंडरी एक्शन का, सेकेंडरी एक्शन उसका रहेगा डिप्रेशन, बिकॉज और नीचे है वो डिप्रेशन करेगा। देन ऑब्लिक मसल्स इज ऑलवेज अबडक्टर, ठीक है? वो कॉमन है, तो ऑब्लिक मसल्स का ऑलवेज अबडक्शन रहेगा। तब सुपीरियर ऑब्लिक का रहेगा इंटॉर्सन, डिप्रेशन, अबडक्शन। अगर आप देखोगे वो नीचे नीचे की तरफ है, अगर नीचे वाला मसल्स कट जाता है एंड उसका फंक्शन भी क्या है डिप्रेशन है, तो आई विल क्या करेगा ऊपर की तरफ चला जाएगा, करेक्ट? तो इसीलिए वहां पे लिखा है एक सेकेंड, तो वहाँ पे लिखा है एट द हाइपरट्रोपिया। व्हाई यू फील लाइक योर यू सी योर पेशेंट इज मैनिफेस्ट टू द हाइपरट्रोपिया पार्ट? बिकॉज सुपीरियर ऑब्लिक जो है सुपीरियर के नीचे रहता है। इफ यू कट द सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स, सो व्हाट विल हैपन? आई विल गोज टू ऑक्साइड। बिकॉज व्हाई? बिकॉज फॉर द मसल्स हैविंग द प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन इज अबडक्शन, डिप्रेशन, इंडोर्शन। सो फॉर दैट द डिप्रेशन पार्ट इज कट इज कट डाउन, सो आई विल गेट मूव टू द ऑक्साइड। So that is why the eye patient manifests with the hypertropia, correct? Not a hypotropia, it's a hypertropia, correct? So involved eye is higher as a result weakness of superior oblique muscles, which becomes more prominent when the head tilt is towards the lip. इसको हम पढ़ेंगे धीरे-धीरे करेंगे, lips head tilt कैसे करेंगे? Then the restrictive ocular movement, there is a limitation of depression on adduction. So limit by depression, जैसे मैंने बोला वो उस muscles का उसी side में जो muscles है वो muscles का एलिवेशन हो, डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन हो रहा था, डिप्रेशन का पार्ट हट गया है। आप जैसे नीचे के लिए बोलोगे दिखने के लिए वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज उसको क्या होता है, डिप्रेशन पार्ट कट गया है, सुपर ऑब्लिक मसल्स पाल्सी है, सुपर ऑब्लिक कट गया है, इसलिए वो डिप्रेशन में आपको मिलेगा, डिप्रेशन एडिक्शन में प्रॉब्लम होगा, रिस्ट्रिक्टेड ऑक्युलर मूवमेंट। देखना अबनॉर्मल हेड पोस्चर, अबनॉर्मल हेड पोस्चर क्यों करेगा सर? पर हेलो यस Hello. Why there will be a restricted movement in adduction? Because the tertiary function of superior oblique is abduction. इसीलिए लिखा है ना आपको ये जो oblique muscles का, इसीलिए ध्यान से देखो oblique muscles का जो properties जो मतलब action, पहला action है इंटॉर्शन करना, ठीक है? इंटॉर्शन मतलब आई को अंदर की तरफ लेना, समझ रहे हैं? हेलो हेलो यस सर यस सर आई को अंदर की तरफ, दिस इज द प्राइमरी फंक्शन, इज आई को अंदर की तरफ लेना। अंदर की तरफ मतलब आई को रोटेट करना, मतलब लाइक पेंडुलर स्ट्रक्चर इज वो रोटेट करता है। जब वो रोटेट करता है आई को, वो कैसे करता है? बाहर की तरफ, नीचे की तरफ, ऐसे मेरा पिक्चर से आप देख सकते हो। देखो एक सेकंड, देखो अगर ये सुपीरियर ऑब्लिक है और ये इंफीरियर ऑब्लिक है, सुपीरियर ऑब्लिक है, सुपीरियर ऑब्लिक कैसे करेगा? अबडक्शन इन डिप्रेशन इंटॉर्शन, आई को अंदर की तरफ ऐसे करता है,
ठीक है, समझ में आया, अंदर की तरफ पीछे करता है, तो इसलिए डिप्रेशन इन एडक्शन लिखा गया है आपको, डिप्रेशन इन एडक्शन में उसका प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं कि ओनली एडक्शन में प्रॉब्लम होगा, अब्डक्शन में दिक्कत होता है उसको, डिप्रेशन इन एडक्शन में उसको दिक्कत होता है, मतलब मूवमेंट, ऑक्युलर मूवमेंट आपको, आई विल शो इन पिक्चर्स, आई हैव मे बी पिक्चर्स, पिक्चर्स में शो करूंगा। देन अबनॉर्मल हेड पोस्चर क्यों, बिकॉज टू कंपेंसेट द डिप्लोपिया पार्ट, टू कंपेंसेट लाइक जैसे डिप्लोपिया उसको हो रहा है, अगर डबल दिख रहा है तो पेन को क्या करेगा, चिन को डिप्रेस करेगा, चिन को अप करके वो इमेज को कंपेंसेट करके वो डिप्लोपिया को फ्यूज करेगा, सो फॉर दैट द पेशेंट विल मैनिफेस्ट वॉज लाइक विथ अबनॉर्मल हेड पोस्चर, सो दैट दी थ्री साइन यू नीड टू लाइक consider, you need to consider like patient will complain, the patient will present with us a hypertrophia with a restricted ocular movement, then the abnormal head posture. This is the classical sign of Fortuna palsy. Then how do you diagnose? Take the simple cover test, or is there any specific investigation you need to perform that particular patient to diagnose a superior oblique palsy? So is there a specific investigation for that, or you need to call a common cover test, common alternary cover test? Yes, exactly. So we have like for the severe oblique palsy, the vertical muscles palsy, there is one test is there, PAR 3 Belzewski 3 test bolte hain usko. So in 3 steps, स्टेप विल डायग्नोज द सुपीरियर ऑब्लिक पाल्सी है या नहीं, तीन स्टेप्स हम करेंगे। तो पहला स्टेप से क्या आएगा, हम प्राइमरी गेज में देखेंगे उसका, प्राइमरी गेज में हाइपोट्रोपिया कौन सी साइड में हो रहा है, राइट में हो रहा है या लेफ्ट में हो रहा है, तो पहले रहेगा प्राइमरी गेज, देन रहेगा गेज, राइट गेज या लेफ्ट गेज, कौन सी साइड में ज्यादा वर्स हो रहा है, फिर क्या करेंगे उसका टिल्ट करेंगे, हेड टिल्ट करेंगे, टिल्ट करके देखेंगे उसके कौन सी टिल्ट में ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये जो तीनों फॉर्मूला है, ये तीनों स्टेप है, ये तीनों स्टेप से हम डायग्नोसिस कर पाएंगे ये फोर्टुना पाल्सी है और समथिंग एल्स है, ठीक है, हम डील कर रहे हैं। तो कैसे कैसे रहेगा, तो यहाँ पे देखो मैं पिक्चर्स दिख रहे हैं आपको, पिक्चर्स दिख रहे हैं, यस सर दिख रहा है। तो देखो द फर्स्ट स्टेप ऑन प्राइमरी गेज, इन प्राइमरी गेज देखो ये वाला पार्ट, तो उसका लेफ्ट आई हाइपरट्रोपिया है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर कौन सी गेज में हुआ, फिर उसका टिल्ट में हुआ, मतलब फर्स्ट गेज ये क्या करोगे, सो प्राइमरी गेज, प्राइमरी पोजीशन में देखोगे, देन गेज, देन टिल्ट, तो ये जो थ्री स्टेप है, उस थ्री स्टेप से हम डायग्नोसिस करेंगे सुपर ऑब्लिक पाल्सी को। देन आएगा डबल मैडॉक्स रॉड टेस्ट में करेंगे, तो डबल मैडॉक्स रॉड में भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे ये जो है क्लासिक साइन होता है हमारा, पार्क थ्री बेल्जेस्की थ्री टेस्ट जो टेस्ट होता है, ये क्लासिक मतलब होता है डायग्नोसिस करने के लिए, वो सुपर ऑब्लिक पाल्सी करने के लिए हमारा सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को, अगर सुपीरियर ऑब्लिक पाल्सी है तो हाउ टू डायग्नोस, देयर आर टू मेथड्स लाइक पार्क थ्री पार बेल्जेस्की थ्री स्टेप टेस्ट, एक होता है डबल मैडॉक्स रॉड टेस्ट। सो आज ऑफ नाउ वी आर लाइक गोल्ड स्टैंडर्ड क्लिनिकल मेथड में, आपको गोल्ड स्टैंडर्ड ये ही है पार्क बेल्जेस्की पार्क जिले पार्क थ्री स्टेप टेस्ट उसको बोलते हैं, इसको करते हैं। तो हाउ टू ट्वाइस कल थ्री स्टेप टेस्ट, तीन स्टेप में होता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, प्राइमरी गेज में देखो पेशेंट अगर सीधा देखा है, सीधा अगर आप प्राइमरी गेज में उसको इवेल्युएट करोगे, तो पहले आप नोटिस करना है कौन सा मसल हाइपरट्रोपिया है, कौन से आई उसका हाइपर हो रहा है और कौन सा आई उसका हाइपर हो रहा है, दैट मींस हमें नोटिस करना है कौन सा आई उसका हाइपर हो रहा है। क्यों हाइपर को नोटिस करना है, बिकॉज सुपर ऑब्लिक नीचे रहता है उसका डिप्रेशन रहता है, अगर डिप्रेशन पार्ट कट जाएगा, डिप्रेशन पार्ट कट जाएगा एंड आई ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो नहीं हमें पहले नोटिस करना है वो हाइपरट्रोपिया कौन सी आई में हो रहा है। देन पहला स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया कौन सी गेज में हो रहा है, आइदर इट कुड बी द लाइट गेज और लेफ्ट गेज, ठीक है, देन गेज हो गया। स्टेप टू में चला गया, स्टेप थ्री में क्या आएगा आपका, कौन सी टिल्ट में, क्यों टिल्ट कर रहे हो, क्योंकि जो हॉरिजॉन्ट, जब तक आप टिल्ट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी मसल्स, क्योंकि वो वर्टिकल मसल्स का ऊपर नीचे रहते हैं, है ना, जैसे आप टिल्ट करते हो वो आता है जो हॉरिजॉन्टल मसल्स, ठीक है, तो तभी आपको पता चल पाएगा, अच्छे से पता चलेगा कौन सी टिल्ट में, कौन सी साइड में आपको ज्यादा जो हाइपर हाइपो मिल रहा है, आई का हाइपर हाइपो मिल रहा है, उसी के हिसाब से हम डायग्नोसिस करोगे सुपीरियर ऑब्लिक पाल्सी या सुपीरियर रेक्टस पाल्सी, ठीक है। रेक्टस मसल इन्वॉल्व हो रहा है कि ऑब्लिक मसल्स इन्वॉल्व हो रहा है, अगर ऑब्लिक मसल्स होगा दैट मीन सेम साइड उसका सेम साइड सेम टिल्ट में,
ठीक है, अपोजिट साइड सेम सॉरी अपोजिट साइड सेम टिल्ट में आपको ज्यादा दिखाई देगा, आपको डेविएशन दिखाई देगा, लेकिन सुपर रेक्टस होगा आपको अदर साइड में अपोजिट साइड में आपको टिल्ट ज्यादा दिखाई देगा, मतलब हाइपरट्रोफिया ज्यादा दिखाई देगा, तो दैट मींस वो रेक्टस मसल पाल्स हो रहे हैं, हम उसको देख, क्योंकि दो मसल्स हो रहा है, जिससे नीचे रहता है ना हमारा सुपर रेक्टस एक है, एक सुपर ऑब्लिक है, एक होता है इन्फीरियर रेक्टस है, तो सुपर रेक्टस ठीक है, मतलब सुपर ऑब्लिक और इन्फीरियर रेक्टस ये दोनों मसल्स में हमें क्या करना है, हमेशा कंफ्यूजन होता है कि हमें ये इन्फीरियर रेक्टस है ये सुपर ऑब्लिक है, तो डायग्नोस्ड सुपर ऑब्लिक और इन्फीरियर रेक्टस हमें क्या करना है इस टिल्ट में पता चल जाएगा, ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, स्टेप वन में क्या होता है, स्टेप टू में क्या होता है, स्टेप थ्री में क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप अगर आप देखोगे पार्ट फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो तो लिखा है तो आसेस बीच आई इज हाइपरट्रोफिक इन प्राइमरी गेज, मैं अगर रिपीट कर रहा हूँ क्यों हाइपरट्रोफिक। हेलो हेलो सर, हेलो सर, आई एम ऑडिबल। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आता है हमारा, हमारा आता है कि सुपर ऑब्लिक का फर्स्ट एक हाउ टू डायग्नोज, एक स्टेप वन में आएगा टू असेस द हाइपरट्रोफिक इन प्राइमरी गेज, तो हमारे पेशेंट को अगर प्राइमरी गेज में देखोगे तो पहले कौन आपको रूल आउट करना है, व्हिच आई इज गेटिंग हाइपरट्रोफिक ज्यादा हो रहा है, तो आपको यहाँ पे दो पिक्चर्स देखो, ये तो ठीक है लेकिन ये देखो ये उसका हाइपर हो रहा है, इस आई में क्या हो रहा है, इसका हाइपर हो रहा है, अगर आप देखोगे तो ये वाला से हाइपर हो रहा है, तो हमें पहले डायग्नोसिस करना है व्हिच आई इज गेटिंग हाइपरट्रोपिया, ठीक है, कुछ आई इज गेटिंग हाइपरट्रोपिया, तो हाइपरट्रोपिया में आपको पता चल गया कौन सा मसल आपको लाइक हमारी दोनों जो आई में जो आई को ऊपर उठाने के लिए कौन से दो मसल्स काम करते हैं, जिसे लिखा है अगर लेफ्ट आई में डिप्रेशन देखोगे लेफ्ट आई का, तो लेफ्ट आई में कौन सा मसल डिप्रेशन के लिए हेल्प करता है, एक सुपर ऑब्लिक एक इन्फीरियर रेक्टस, ठीक है, एलिवेशन के लिए कौन सा मसल से होता है, सुपर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक, अभी हमें पता चला कि राइट में हो रहा है, अभी हमें जो ये करना पड़ेगा कौन सी गेज में हो रहा है, इससे चार अभी चार मसल्स कंफर्म है, चार से हम दो करेंगे अभी, ठीक है, चार मसल्स कंफर्म है, आइदर ये दोनों से हो रहा है, लेफ्ट टाइम में हो सकता है, ठीक है, लेफ्ट टाइम में डिप्रेशन में हेल्प कर रहा है एक सुपर ऑब्लिक इन्फीरियर रेक्टस, नहीं तो राइट में सुपर रेक्टस इन्फीरियर ऑब्लिक हो रहा है, अभी ये बस चार मसल्स कंफर्म हुआ हाइपर हाइपो हो रहा है, क्योंकि एक आई अगर हाइपर होगा एक आई अदर आई हाइपो होगा, हाइपर हाइपो भी हो रहा है, हमें चार मसल्स कंफर्म हो गया, अभी चार से हमें दो करेंगे, कैसे, अभी हमारा हो गया स्टेप टू में, स्टेप टू में क्या होता है विच लैटरल डिरेक्शन हैज ओर्थ डिरेक्शन, अगर जिस केस में होता है, ठीक है, अगर जो मान लो सुपर ऑब्लिक जो ऑब्लिक पल्सन पालसी होता है उस पालसी अपोजिट साइड में क्या होगा आपको ज्यादा दिखाई देगा, क्या है जो गेज राइट गेज या लेफ्ट गेज, पहले प्राइमरी गेज फिर राइट गेज लेफ्ट गेज, अगर राइट ऑब्लिक मसल्स पालसी है राइट सुपर ऑब्लिक पालसी आपको लेफ्ट साइड में ज्यादा डिविएशन दिखाई देगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में ज्यादा दिखाई देगा, ये हुआ स्टेप टू हो गया। स्टेप थ्री में आ गया क्या हुआ ना आपको, सर प्लीज एक्सप्लेन दिस स्टेप टू वन मोर टाइम। स्टेप टू में होता है बीच लैटरल हज और हाइपरट्रोपिया, मतलब आपका कौन सी साइड में ज्यादा हाइपरट्रोपिया यूजली ओर्स हो रहा है, अगर ऑब्लिक मसल्स पालसी है तो आपको अपोजिट साइड में दिखाई देगा, अगर रेक्टस मसल पालसी होगा तो सेम साइड में दिखाई देगा, तो अभी आपको डायग्नोसिस करना है विच गेज, अगर राइट गेज या लेफ्ट गेज, अगर राइट ऑब्लिक मसल्स पालसी होगा तो लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, अगर राइट रेक्टस मसल पालसी होगा तो राइट साइड में हमें दिखाई देगा, तो हमें ये रूल आउट करना है कौन सी साइड का कौन सी मसल्स आपको अभी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उसी से ऊपर हम डायग्नोसिस करेंगे ये रेक्टस इन्वॉल्वमेंट है। सर इफ द पर्सन इज हैविंग देन कमिंग टू द स्टेप थ्री लास्ट स्टेप In this sense, like in which head tilt direction hypertrophia is worsening. Hypertrophia मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको दो चीज नोटिस करना है, ज्यादा हो रहा है और कम हो रहा है, अगर बेटर हो रहा है दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है रेक्टस मसल इन्वॉल्वमेंट है, अगर बहुत मतलब अपोजिट साइड में होगा, याद रखना हमेशा जो टिल्ट होगा वो टिल्ट का अपोजिट साइड में अगर बेटर हो रहा है, ठीक है, अपोजिट साइड में दैट मीन वो रेक्टस इन्वॉल्वमेंट है, मतलब ठीक है अगर सेम साइड में रहा, ठीक है सेम साइड में आपको रहा है, मतलब साइड लाइक यहाँ पे जैसे लिखा है लेफ्ट इंक्रीज ऑफ लेफ्ट हाइपरट्रोपिया एंड लेफ्ट हेड टिल्ट इंप्लाइज द लेफ्ट सुपर ऑब्लिक पल्सी, अगर लेफ्ट हाइपरट्रोपिया है लेफ्ट हेड टिल्ट में अगर वो ज्यादा हाइपरट्रोपिया दिखा रहा है टिल्ट में दैट मींस लेफ्ट सुपर ऑब्लिक है, अगर आपको इंक्रीज द राइट हाइपरट्रोपिया राइट वाला हुआ लेफ्ट हेड टिल्ट में दैट मींस रेक्टस इन्वॉल्वमेंट हुआ, मतलब रेक्टस मसल्स में क्या हो जब टिल्ट करोगे रेक्टस मसल आता है जो वर्टिकल कंपोनेंट लेकिन ऑब्लिक मसल्स आता है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हेलो हेलो
सर समझ नहीं आया। स्टेप थ्री में क्या होता है, आपको जैसे आप हेड टिल्ट करोगे, जैसे आप टिल्ट करते हो, ठीक है, जैसे टिल्ट करते हो, टिल्ट करने से क्या होता है आपका, इस स्टेप थ्री में देखोगे कि आपका कौन सी गेज का, कौन सी जो टिल्ट में ज्यादा हो रहा है। अगर आपको लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक पाल्सी होगा तो जो टिल्ट करो, मान लो मेरा राइट सुपीरियर ऑब्लिक पाल्सी है, राइट हाइपरट्रोपिया था आपका प्राइमरी गेज में, जैसे मैं राइट साइड टिल्ट करूंगा तो राइट में ज्यादा दिखाई देगा, वो राइट सुपीरियर ऑब्लिक पाल्सी हो गया। अगर क्या क्या मैं राइट में नहीं हुआ, लेफ्ट में हुआ, ठीक है, समझ रहे हो, हेलो, लेफ्ट में हुआ दैट मींस यू रेक्टस सुपीरियर रेक्टस इन्वॉल्वमेंट पे, वहां पे रेक्टस इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, समझ में आया। अगर राइट साइड में राइट सुपीरियर ऑब्लिक पाल्सी है, वो लेफ्ट राइट साइड में ही क्या करना है, उसका हेड टिल्ट जो हाइपरट्रोपिया कंपोनेंट है बहुत ज्यादा दिखना चाहिए, ओर्स होना चाहिए, ओर्स मतलब बहुत ज्यादा दिखना चाहिए। अगर नहीं, अगर है तो सुपीरियर ऑब्लिक ऑब्लिक पाल्सी है, नो डाउट। अगर सेम चीज आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो लेफ्ट साइड में अगर हुआ, ठीक है, लेफ्ट साइड में हुआ दैट मींस रेक्टस इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वहां पे, अगर लेफ्ट साइड यूजुअली नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में अगर हो रहा है दैट मींस लेफ्ट क्या हो रहा है आपका, रेक्टस इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा रेक्टस, यहां पे सुपीरियर रेक्टस का रेक्टस पाल्सी है। क्लियर सर? वो डिपेंड करता है ना कि हम किस मतलब किस साइड टिल्ट कर, मतलब जो हम देख रहे हैं किस साइड देख करके हम टिल्ट कर रहे हैं। हाँ, वो जैसे आप जब आप टेस्ट करोगे, जो आप टेस्ट करो, तीन तीन ही स्टेप है, पहले प्राइमरी गेज, फिर कौन सी प्राइमरी गेज, फिर राइट गेज, लेफ्ट गेज, फिर राइट टिल्ट, लेफ्ट टिल्ट, दो ही टिल्ट है। अगर आपको राइट टिल्ट करना है, नहीं तो लेफ्ट टिल्ट करना है, है ना। जब राइट टिल्ट करोगे, राइट में आप नोटिस करोगे हाइपरट्रोपिया कंपोनेंट, लेफ्ट का कंपोनेंट नोटिस करोगे, लेफ्ट का हाइपरट्रोपिया कंपोनेंट, कंपेयर करोगे दोनों में कौन सा बेटर हो रहा है और कौन सा ओर्शन हो रहा है। अगर राइट में ओर्शन हुआ और प्राइमरी गेज में राइट में हाइपरट्रोपिया था, मतलब राइट सुपीरियर ऑब्लिक पाल्सी है, ठीक है। अगर राइट में हाइपरट्रोपिया था, अभी लेफ्ट गेज में ज्यादा हो रहा है, दैट मींस लेफ्ट सुपीरियर राइट सुपीरियर रेक्टस पाल्सी हो रहा है वहां पे। हेलो सर, फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज हैविंग राइट हाइपरट्रोपिया and we are diagnosing them that whether it is oblique palsy or rectus palsy, if the person is tilting her head in the right side, then if the hypertrophia worsen, it means it is rectus palsy or oblique palsy. In which side? See the means the in the, why doing the head tilt should make a mark like which side you are doing head tilt, either right side or left side? Tell me what is given, give me example in which side you are. The person is having right, pushing them and asking them to tilt their head in the right side. If the hypertrophy is worsened, that means the right superior oblique palsy, correct? Hello. Am I audible? Sir, your voice is breaking. Hello, am I audible now? Yes, sir, audible. Yes. Afrin, tumhara voice clear nahi hai bilkul bhi. Please. Afrin, tumhara voice bilkul clear nahi hai. Hello. Tumhara awaaz clear nahi hai. Now I am audible? Yeah. Sir, please repeat the step 3 one more time. In step 3, in always in the, in, so take an example. If the right hypertrophia, okay? Take an example, right hypertrophia in primary gaze, if you ask in the patient to do a head tilt, either to the right side and left side while doing cover test, you should make the, make, you should notice, and which side, okay, in which case, which side, in which head tilt the hypertrophic component is more worsen. If the hypertrophia is primary gaze, in primary gaze the patient having high right hypertrophia, and it tilt also right head tilt, the patient hypertrophic component is worsen, that means the right superior oblique palsy, then oblique muscles involvement. If same person, if the right like in primary gaze, okay, right hypertrophia and left head tilt is like head in head tilt, the hypertrophia part is worse in the opposite side, that means the rectus muscle involvement. That's what here written, like increase the left hypertrophia and the left head tilt, that implies that a left superior oblique involvement. Agar left hypertrophia hai, left head tilt side mein zyada ho raha hai, that means the oblique muscles ho raha hai.
अगर इंक्रीज देखो राइट कंपोनेंट अदर आई में हुआ, अदर आई में ज्यादा हाइपोटोपिया हो रहा है ठीक है, लेफ्ट हिलटेड में ठीक है, तो वहां पे क्या देखोगे आपको रेक्टस फंक्शन इन्वॉल्वमेंट, समझ में आया? हेलो सर, यस सर, बेसिकली वी आर टॉकिंग दैट इफ देयर इज